नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में वैसे तो घूमने फिरने के लिए अभी काफी जगह मौजूद है, लेकिन अब एक और नया अट्रैक्शन पॉइंट मिल गया है जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जिसका नाम है अदालतगंज तालाब। पटना शहर के बीचों बीच वीर चंद पटेल मार्ग पर स्थित यह तालाब पटना वासियों के आकर्षण का नया केंद्र होने वाला है। यहाँ पार्क के साथ साथ कई अन्य तरह की चीजें भी लगाई गई हैं, जो लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। इस तालाब के परिसर में बनाया गया पार्क काफी सुंदर है। यहाँ बोटिंग, झूला, म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, वॉशरूम, टू और फोर व्हीलर पार्किंग के अलावा कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तालाब में बोटिंग के लिए शनिवार को 5 नाव तैयार दिखी। हालांकि नाव संचालकों का कहना है कि फीस तय होने के बाद ही संचालन शुरू किया जाएगा। स्मार्ट प्रोजेक्ट मिशन के तहत 10.62 करोड़ रुपए की लागत से अदालतगंज तालाब का जीर्णोद्धार कर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर शहरवासियों के लिए एक नए टूरिस्ट पैलेस का निर्माण किया गया है। यहां तालाब के किनारे बैठने के लिए ट्रेन और चबूतरे की व्यवस्था की गई है। 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले ओपन एयर ऑडिटोरियम, फूड कियोस्क, चिल्ड्रन पार्क, लेजर लाइट शो, म्यूजिकल फाउंटेन, वोटिंग के लिए 5 पैडल बोट की भी व्यवस्था की गई है। तालाब के चारों ओर सोलर लाइट, हाई मास्ट लाइट आदि की पर्याप्त व्यवस्था भी हो गई है। इसको लेकर हाल ही में सीएम नीतीश खुद ही अदालतगंज पहुंचकर तालाब में लगे फव्वारे और लेजर शो का आनंद लेते देखे गए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएम नीतीश राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना के साथ काम कर रहे हैं। सरकार की यही मंशा है कि बिहार में पटना समेत अन्य शहरों को जल्द से जल्द स्मार्ट बनाने का काम किया जाए। इसको लेकर बिहार में जोर शोर से काम भी किया जा रहा है। इस पूरे परियोजना पर लगभग 10 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। इतना ही नहीं, अब तक अक्सर आपने महानगरों में देखा होगा कि एंट्री गेट पर आई लव और उस शहर का नाम लिखा होता है। ऐसा ही अब एंट्री गेट पर आई लव पटना का बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है, जो एक सेल्फी पॉइंट के रूप में बदल गया है, जिससे कि युवा जगह का आनंद तो उठा ही सकेंगे, साथ ही अब फोटो भी क्लिक करवा सकेंगे। जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि पटना आने वाले पर्यटकों को एक और घूमने का सुनहरा स्थल भी मिल गया है, साथ ही और भी ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।